हर हर गंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं गोमुख के, जहाँ से माँ गंगा का उद्गम स्थल है वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पे स्नान करने के बाद यहाँ से हम लोगों ने जल लिया और बहुत ही दुर्गम रास्तों से होकर के फिर से वापस हम लोग गए, जैसे कि यहाँ आए थे जिन दुर्गम रास्तों से। और देख सकते हैं कि ये जो अंदर का जो ये सीन है, माँ गंगा का उद्गम जो स्थल है वो ये ग्लेशियर है, जहाँ से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी कि कैसे ग्लेशियर पिघल पिघल करके हो रहा है। और ये देख सकते हैं कि ऊपर इतना बड़ा बड़ा पहाड़ है, इतना मतलब निकलने वाले थे। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जो तपस्या करना था चट्टान जप गिर रहा है तप ऊपर कर से, लिए, और करने के जैसे से बाद पिघल रहा है वैसे वैसे हम चट्टान लोग गिर रहा यहाँ है। से अब प्रस्थान करेंगे वहाँ के लिए, हरि ओम सीताराम। अपने गंगोत्री के लिए। तो अभी फिलहाल हम लोग थोड़ा सा जप तप ध्यान कर ले, क्योंकि ये दुर्गम स्थल सीताराम पे सीताराम हमेशा नहीं आना, मतलब आ सकता है आदमी, और हर कोई नहीं आ पाता। इसीलिए जब यहाँ पे आए तो कुछ ना कुछ तो करके जाए। तो इसीलिए हम लोग 1 घंटे, एक करीब 1-1.5 घंटे हम लोग यहाँ पे तपस्या किए, और महाराज जी तपस्या कर रहे हैं करने के बाद हम लोग यहाँ से और प्रस्थान पीछे देख रहे करेंगे। हैं आप तो देख चट्टान सकते हैं गिरने कि वाला किस कैसा तरीके लिखा से हुआ हमारे है, जो साथ में महात्मा जी पूरा का वो पूरा बर्फ अभी है, बर्फ का तपस्या में पहाड़ है, लीन हैं और जैसे और जैसे पिघलेगा वैसे अपना वैसे लगे हैं। चट्टान गिरता जाएगा। बाकी तो देख सकते हैं कितना मनोरम हरि दृश्य ओम है सीताराम पीछे का, बिल्कुल सीताराम आसमान राधेश्याम साफ है, जय जय पहाड़ों के श्री बीच, राधेश्याम। मतलब कि चारों तरफ से पहाड़ घिरा हुआ है, और हम लोग उसी के बीच में गिरजा बैठे गिरजा हुए हैं गिरजा वहाँ गिरजा पे, श्री तपस्या राधे, कर रहे हैं अपना। और हमें जो करना था, हम ब्लॉगिंग वगैरह जय जो भी जय करना श्री था वो राधे। तो कर ही रहे हैं। तो देख सकते हैं कि हम लोग तपस्या कर लिए हैं। अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे, क्योंकि मौसम अब साफ नहीं हो था, मौसम थोड़ा सा अंधेरा जैसा। और देख सकते हैं यहाँ पे कि बीच रास्ते में एक महात्मा थे, उनका ये आश्रम, छोटा सा आश्रम मैंने दिखाने की कोशिश की है दूर से ही। और देख सकते हैं कि काफ़ी चारों तरफ से पहाड़ ही पहाड़, चारों तरफ से पहाड़। और ये माँ गंगा का उद्गम स्थल जो है बहुत ही मनोरम। माँ गंगा कल कल निनाद, कल कल छल छल एकदम बह रही हैं। माँ गंगा का मधुर स्वर और स्नान का सौभाग्य। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। और यहाँ पे ठंडे पानी में हम लोगों ने स्नान किया। स्नान करने के बाद माँ गंगा को प्रणाम किया। प्रणाम करके हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर गंगे, बोलिए गंगे मैया की जय, बोलिए गंगा मैया गोमुख की ग्लेशियर के पास जय। और ये ठंडे ठंडे पानी, हमारे साथ में आए हुए महात्मा लोग माँ और पार्वती के ब्रह्मचारी लोग यहाँ पे स्नान उद्गम स्वरूप किए गोमुख साथ के में पास। हमारे। और हम लोग स्नान करने के बाद यहाँ से, बहुत ठंडा पानी था, आप देख सकते हैं कि ये देखिए देखिए देखिए, इतना ठंडा पानी था कि इनका पैर जो था ना बिल्कुल अकड़ गया था और गिर गए थे वही पानी में। तो कैसे कैसे जय बच जय गए, श्री राधे। हर लेकिन बहुत ठंडा हर पानी गंगे है। आप लोग ज़रूर एक बार, मतलब अगर गंगोत्री जाए तो गोमुख का ट्रैकिंग एक बार ज़रूर करें अगर आप युवा हैं तो, और इसी रास्ते से करें, क्योंकि जो दुर्गम रास्ता है ना हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। वो जो और जो क्या बोलते हैं कि ट्रैकिंग का सही आनंद, मतलब कि बिल्कुल एकदम एडवेंचर था, एक कह सकते हैं। ऐसा हमने कभी भी अपने जीवन में इस तरीके का जो ट्रैकिंग नहीं किया ही नहीं था। मैंने बहुत चढ़ा, लेकिन ये चीज़ जो कि एकदम दुर्गम, बड़ा बड़ा सा पहाड़ गिरा है उसी पे चढ़ के जाना है, डर लगता है कि कहीं कोई पहाड़ और आप गिर ना देख जाए सकते हैं ऊपर कि से। अभी अगर इतना गोमुख यहाँ से सामने से करीब एकदम भयानक पहाड़ ऐसा, तीन मतलब चार 2 किलोमीटर खड़ा है यहाँ है, से, और अब लोग बोला आ देखने के गए हैं बाद ये गोमुख बिल्कुल है, डरावना सा ग्लेशियर लगता, गोमुख जैसे का मतलब जैसे लगता था बर्फ का कि पहाड़ है, कोई बड़ा सा बर्फ का पहाड़ है, कुछ यहीं से भागीरथी मतलब निकलती क्या है बोल सकते हैं उसको, और जैसे यही बड़ा है सा और एकदम बर्फ वाला। चट्टान। हाँ दोनों होता है, हाँ कि बर्फाल और पत्थर पाल तो दोनों हम लोग होता है। अभी फाइनली यहाँ पे ये स्नान पहाड़ हो है गया तो है इसी के जस्ट नीचे जाना है और नहाने हम के लोग अब लिए, निकलेंगे इसी और ढेर चलाक मत बना। हिमालय के नीचे। और इसी